তেহেন 29 ডিসেম্বর হেমন্ত সরকার পুন সেরমা মেয়াদ পুরোবিনা আর ওনা বাবদ থেকে হেমন্ত সরেন ঝাড়খণ্ড পনত রাঁচিরে মিট প্রেস কনফারেন্স দহো আকা তাহেন আর ওটা খনকে সিএম এলো একা যে আলে তো আদিবাসী হর কানালে আলে তো সানাম হড়া নাপাই গেলে খোঁজবা আলে তো জাতি ধরম করম নুয়া কত বাংলে নিন্দবা আর ওনা খাতিরতে দাঁড়াই কান 22 জানুয়ারি যাহা রাম মন্দির উঠেও সেগুন কামি হরা হইগো কানা ওটা হয় সেটারও আয় মেনতে লই একা আয় সিএম হেমন্ত সরেন से आप विपक्ष के सवाल कर रहे हैं कि आप अपना सवाल कर रहे हैं? जनता का सवाल कर रहे हैं। जनता का सवाल नहीं, विपक्ष के सवाल। विपक्ष के सवाल का जवाब देना मैं नहीं समझता बहुत ज्यादा उचित हमारे लिए। सर फिर भी सर सर इसी को सर बढ़ाते हुए कहना चाह रहे थे कि ये चर्चा है जनता के बीच कि मुख्यमंत्री जी ईडी ऑफिस क्यों नहीं जा रहे हैं, और दूसरी तरफ जो आपके खिलाफ दो एक मामले थे सुप्रीम कोर्ट ने भी खारिज किए, कल हाई कोर्ट ने भी खारिज किया, तो एक तरफ कुछ मामले खारिज हो रहे हैं जिसमें आपको डायरेक्ट रिलीफ भी मिल रहा है और एक तरफ ईडी की जो चर्चा हो रही है, इसको किस रूप में आप देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे? हमें एक बात बताइए, देश में कानून है कि नहीं? बिना कानून से चलता है, ईडी भी कायदे कानून से चलती है कि नहीं चलती, सरकार भी कायदे कानून से चलता है। एक बड़ा मुझे याद नहीं आ रहा है वो शायद मैंने तो आपको सुनाता अगर हम जिंदा हैं तो जिंदा दिखना भी चाहिए, लेकिन इसके आगे भी कुछ था मैं भूल गया। तो आपको क्या लग रहा है कि मैं भाग रहा हूं या मैं अपना बोरिया दिखता समेट के कोई विदेश में जाके बस गया हूं, क्या आप लोगों को लगता है? और पहले एक सवाल भाई साहब ने किया, योजना बनता है तो सही लोगों को कभी कभी या नहीं मिलता है या सही लोगों तक नहीं पहुंचता, तो आज अगर राजनीतिक लोगों पर इतने आरोप लगते हैं तो क्या संवैधानिक संस्थाओं पर आरोप नहीं है क्या?